हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी एक टिप लेके आई हूँ। आज सब लोग मेहंदी लगवा रहे, तो ऑब्वियस जा ही रहे होंगे। ये वीडियो मैं आज ही अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोग जब मेहंदी लगवाने जाएंगे, तो उससे पहले कभी कोई तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाँ, हमें कुछ तैयारियाँ भी करनी चाहिए। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब आप मेहंदी लगवाने जाते हैं, तो आपने वैक्सिंग भी करानी होती है। आप वैक्सिंग करा लेते हैं, आप फेशियल कराते हैं, आप हेयर कलर कराते हैं, मेहंदी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उस मेहंदी को लगाने से पहले आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपके हाथ गोरे गोरे सॉफ्ट सॉफ्ट लगें और मेहंदी का कलर बहुत प्यारा सा निकल के आए? उसके लिए पता है हम कुछ करने वाले हैं आज। मैं क्या करूँगी, तो मैंने लिया है ये VLCC का ब्लीच, और इसको मैं अपने हाथों पे अप्लाई करने वाली हूँ। उसका भी एक ट्रिक है, उसको भी लगाने की एक ट्रिक है। मेरे तरीके से लगाइएगा, यकीन मानिए आपके हाथ बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। वो मैं ऑलरेडी करके आके रखी हुई हूँ। देन हमने जितनी भी ज्वेलरी अपने हाथों में डाली हुई है, हम उसको रिमूव कर देंगे। तो हम इसको रिमूव करने वाले हैं। एक्चुअली ये वाली रिंग ना मेरी शादी की है, और मैंने कभी ये वाली मैं उतारती ही नहीं हूँ तो टाइट भी हो गई थोड़ी। टाइट क्या, एक्चुअली पहले तो ये बहुत छोटी थी, मैंने बड़ी करवाई है क्योंकि अब मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी सी। तो हम पूरी अपनी ज्वेलरी उतार देंगे। इसके बाद हम लेंगे ब्लीच, और ब्लीच को हम हमारा होता है ना, ये हम ब्लीच ले रहे हैं VLCC की। तो ब्लीच आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग ले लीजिए। इसमें अभी जितनी है वो मेरी उतने हाथ में लग जाएगी। देन ये हम एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर जितना हम फेस के लिए लेते हैं, उससे थोड़ा सा क्वांटिटी हम ज़्यादा लेने वाले हैं, क्योंकि फेस के स्किन में और हाथ के स्किन में फ़र्क होता है, तो आप रिजल्ट खुद देखेंगे। तो हम एक्टिवेटर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, तो बहुत सारे टिप्स आपके रह जाएंगे। तो हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने वाले हैं। जब हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो इसमें ना झाग बनने लगते हैं। बहुत लोग जाते हैं पार्लर और जाके ब्लीच कराते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पार्लर जाने की ज़रूरत क्या है, वो भी ब्लीच के लिए। वो तो आप घर पर भी आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्स हो गया है ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा ना ऐसे जैसे झाग टाइप का बन जाता है जब अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये मिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, हैंड्स हम ऑलरेडी वॉश करके बैठे हैं। देन अब हमें लेना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को आप चाहे डायरेक्ट स्प्रे कर लीजिए, ये मैं इधर रख देती हूँ, चाहे आप डायरेक्ट स्प्रे कर लीजिए या हाथ में ले लीजिए मेरी तरह से, और अपने हाथों पे अच्छे से इसको रब कीजिए। अच्छे से रब करना है आपको। ये देखिए, आपको रिजल्ट ना विजिबल दिखाई देगा अच्छे से रब करने के बाद। अभी क्या करना है, हमने जो हमने ब्लीच रेडी की है, हम उसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फेस का भी पता होगा, सेम चीज़ मैं हाथों के लिए भी कहूँगी कि आपने पैच ज़रूर यूज़ कर लेना है, क्योंकि हर कॉस्मेटिक हर बंदे के लिए नहीं होता है। मेरे लिए VLCC सेफ है, इसलिए मैंने VLCC चूज़ किया है। आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लीजिए, लेकिन उसका पैच ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। तो हम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। एक्चुअली इस बार कुछ तो मुझे ज़्यादा इसलिए भी घर पे करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पार्लर नहीं जा पा रही हूँ। अदरवाइज़ हर साल तो मैं पार्लर चली ही जाती हूँ, एटलीस्ट करवा चौथ पे तो जाती हूँ। वैसे तो मैं रेगुलर में नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ करवा चौथ पे तो मैं पार्लर ऑब्वियस जाती हूँ। तो बस हम इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। ये देखिए, बहुत ईजीली हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। हैंड्स में ना हमारे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, हम हाउसवाइफ के भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें खुद नहीं पता। एक्चुअली हम हाउसवाइफ ना थोड़े से लेज़ी होते हैं अपने आप को लेके। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। ये मैं पूरा फिंगर तक कर रही हूँ, पूरा फिंगर तक करने वाली हूँ मैं इसको। ये आप चाहें तो और ऊपर तक कर सकते हैं,
यहाँ तक बिल्कुल मैं भी करूँगी, लेकिन ये वाला पार्ट मैं, चलो मैं कर ही लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी मैं ये वाला पार्ट बाद में करूँगी, लेकिन फिलहाल मैं हैंड टू हैंड ख़त्म ही कर लेती हूँ ये वाला काम। तो ये देखो, अगर आपको इचिंग फील हो रही हो, जलन फील हो रही हो, तो प्लीज़ आप इसको स्टॉप कर दें, क्योंकि सबको सूट नहीं करता है। लेकिन ये काम ज़रूर आप मेहंदी से पहले करके जाएं, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ब्लीच के बिना अगर आप मेहंदी लगवाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। इस बार मेरे कहने से आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि मेहंदी लगाने से पहले आप ब्लीच करके जाएं। तो हमारा एक हैंड बिल्कुल मैंने कवर कर लिया है अच्छे से, अभी हम दूसरे हाथ पे लगा लेंगे। तो ये मैंने बहुत अच्छे से अपने पूरे हाथ पे लगा लिया है। अब हम इसको लगभग 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे, मैक्सिमम 20 मिनट और मिनिमम 15 मिनट हम इसको छोड़ना है। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं अच्छे से, और बीच में हमें क्या करना है मैं दिखाऊंगी अभी बीच में, कि बीच में मैं क्या करूंगी। अभी बीच में भी हमें कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के और अब हम हाथ ऐसे करके बैठ जाएंगे और मेरे हाथ अभी से दर्द करने लगे। अभी ना जैसे जैसे ये होता जा रहा है तो ये अपनी जगह छोड़ता जा रहा है, तो हमें ना इसको बीच में मतलब इस तरह से फिंगर से रब भी करते रहना है ऐसे। जब लगे कि आपको यहाँ से ये एरिया इसने छोड़ दिया है, तो आप फिंगर से इसको अच्छे से रब कर सकते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ, मेरी जगह जगह से ये ऐसे फटा फटा सा हो गया था। ये देखिए यहाँ से भी बिल्कुल हट गया है, हटता नहीं है एक्चुअली, वो श्रिंक होने लगता है। तो इसको अच्छे से कर देंगे, ये देखिए। वेट करना कितना डिफिकल्ट होता है ना, मैं इसको सूखने का वेट कर रही हूँ। मेरे लिए वेट बहुत मुश्किल होता है। मैं इसको बीच बीच में रब कर रही हूँ। तो अभी ये हमारे हैंड्स अच्छे से सूख चुके हैं, ये देखिए ये अच्छे से। अब इसको ऐसे हम हटा देंगे, पहले तो मैंने टिश्यू लिया हुआ है, तो मैं टिश्यू से इसको अच्छे से वाइप कर दूंगी। ये देखिए बहुत इजीली ये वाइप हो जाएगी, एक्चुअली ड्राई हो गई है ना, मैंने 15 मिनट लगाया है तो ये उतनी देर में ही ड्राई हो गई है। इसके बाद टिश्यू गीला करेंगे और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देखिए हो रहा है ना, रिजल्ट सामने दिखेगा आपको। ये देखिए, आपको शायद अगर आप पहले नोटिस किया हो आपने, तो मेरे हैंड्स का कलर कितना डार्क हो रखा था, अभी कितना लाइट है। तो मैं इसको ना वॉशरूम में जाके वॉश करके आती हूँ फिलहाल, और फिर मिलती हूँ आपको। तो मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हमें क्या करना है, मेरे पास ये पोस्ट ब्लीच पड़ा हुआ है, ये जस्ट लाइक मॉइस्चराइजर का काम करेगा। तो हम इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे अपने हैंड्स में, ये बहुत अच्छे से मसाज करनी है, इससे आपके हाथ बहुत सॉफ्ट होने वाले हैं। ये देखिए, और ये मैंने टैटू बनवाया था ना, मुझे उसने बोला था 24 आवर्स कोई काम नहीं कर रहा है, मैं आते ही काम में लग गई थी और मेरा टैटू खराब हो गया था। उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे ना एक्चुअली। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गए हैं आपके हाथ, सी द विजिबल रिजल्ट।
नाउ यू आर रेडी फॉर मेहंदी। आप अब मेहंदी लगवा के आइए अपने हाथों में और उसके बाद नेल पेंट लगाइए सुंदर सा, और फिर देखिए आपके हाथ कितने स्वीट एंड ब्यूटीफुल लगेंगे। और जब मैं मेहंदी लगाऊंगी तो ऑब्वियस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाँ देखिए मैंने मेहंदी लगाई है और मेरे हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, और मेहंदी लगवाने का मुझे बहुत शौक है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।